जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पीजीडीएम कोर्स के बारे में। तो पीजीडीएम के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यदि आप भी पीजीडीएम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो का अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं कि पीजीडीएम करने के क्या बेनिफिट्स हैं, पीजीडीएम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में आपके पास ऑप्शन रहेंगे या नहीं रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में आपको कहां पर जॉब मिलेंगी, कितनी सैलरी रहेगी। तो ए टू जेड मैं आपको पीजीडीएम के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं पीजीडीएम के फुल फॉर्म की। तो लगभग सभी को पता होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, यानी कि ये क्या है, आपका 2 साल का पीजी डिप्लोमा कोर्स है। डिग्री कोर्स नहीं है, क्या है, आपका पीजी डिप्लोमा कोर्स है। डिग्री के अंतर्गत आपका ये नहीं आता है, सबसे पहला। दूसरा, ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया है। ड्यूरेशन क्या है भाई आपकी, इसकी 2 वर्ष है, यानी कि ड्यूरेशन आपकी 2 ईयर का आपका डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स है। इससे आगे बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो साथियों, इसके लिए आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो, यानी कि ग्रेजुएशन आपका, ग्रेजुएशन में कुछ भी हो सकता है, आपका BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BJMC, कोई भी आपने कोर्स किया हुआ हो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और साथ के साथ आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। 2020 से पहले यदि मार्क्स आपके कम भी थे तो आपका एडमिशन हो जाता था, लेकिन 2020 के बाद में रूल चेंज हो गया है। अब यदि आपके 2020 के बाद में यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं तो आप पीजीडीएम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है तो कैटेगरी में आपको 5% की छूट मिल जाती है, यानी कि आपका एडमिशन फिर 45% पर भी हो जाता है। तो यह है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में आगे हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, कोर्स कंटेंट क्या रहता है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। साथियों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का। सक्षम एजुकेशन फाउंडेशन जो है हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो यदि आप भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं और आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरीके का उसका कोई शुल्क नहीं है। ये जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी गवर्नमेंट से अलग होगी, यानी कि जो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है वो अलग है, और जो सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मिलती है वो स्कॉलरशिप अलग होती है। तो आप भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यदि आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब बात करते हैं साथियों इसके सिलेबस की। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि MBA और PGDM सभी लोग ये क्या होते हैं, सभी कहते हैं कि इक्वल हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको कहते हैं कि प्रेफरेंस किसको देते हैं, लोग ज़्यादातर PGDM को देते हैं। वो क्यों देते हैं, वो देते हैं सिलेबस के लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि PGDM में क्या होता है, इसमें बात जो होती है वो होती है लेटेस्ट अपडेट सिलेबस। इसमें जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है आपका लेटेस्ट अपडेट सिलेबस, जो कि मार्केट में इस समय चल रहा होता है वो चीज़ इसमें पढ़ाई जाती है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो PGDM होता है वो PGDM ये ऑटोनॉमस बॉडी के थ्रू होता है, यानी कि इसका यूनिवर्सिटी से कोई रोल नहीं होता है। यानी कि जिस भी कॉलेज से आप कोई भी PGDM कोर्स करते हैं तो PGDM जो होता है वो कॉलेज से होता है, ना कि यूनिवर्सिटी से। यदि आपने PGDM किया है तो उस पर किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होगा, यानी कि वहां पर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होता है, वहां पर सिर्फ नाम जो होता है वो होता है कॉलेज का। कॉलेज को अप्रूव करता है कौन, AICTE। तो यानी कि AICTE के जो रूल रेगुलेशन है, जो सिलेबस है, वहां से होता है और कॉलेज खुद डिसाइड करता है, खुद ही एग्जाम लेता है। तो इसमें क्या है, PGDM में किस पे बात होती है, लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस पर। तो इसीलिए प्रेफरेंस दी जाती है किसको, PGDM को। जो MBA होता है, MBA में जो कोर्स चल रहा है वो पुराना कोर्स चल रहा है, तो वही कोर्स चलता हुआ आ रहा है। तो इसलिए PGDM को कम प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, सिलेबस में आपको क्या पढ़ाया जाता है। सिलेबस में आपका डिपेंड करता है आप किस ब्रांच ले रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहता है। जैसे आप इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप IB ले रहे हैं, मार्केटिंग ले रहे हैं, फाइनेंस ले रहे हैं, HR ले रहे हैं, जो भी ब्रांच ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या रहता है, आपका सिलेबस रहता है। लेकिन सिलेबस जैसे मैंने आपको बता दिया है, PGDM में क्या रहता है, लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस पर बात की जाती है, लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की। तो साथियों याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट जॉब में यदि MBA और PGDM
एडमिशन की यदि हम बात करें तो प्रेफरेंस हमेशा दी जाती है एमबीए को। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि वहां पर पीजीडीएम को एलिजिबल ही नहीं माना जाता है, यानी कि यदि आपने पीजीडीएम किया है और वहां पर जो जॉब वैकेंसी निकली है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो वहां पर आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा वहां पर, क्योंकि आपने क्या किया है, डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो आपने क्या किया है, डिप्लोमा कोर्स किया है, तो आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत सारी वैकेंसी आती है वो जो कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर एमबीए वाले भर सकते हैं, वहां पर आपको आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर है आपको? बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में आपको ऑप्शन मिलता है, वहां पर लिखा हुआ होता है कि या तो आपने एमबीए का हो या और उसके इक्विवेलेंट हो, और उसके इक्विवेलेंट हो तो एमबीए के इक्विवेलेंट जो होगा आपका पीजीडीएम आता है, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे बैंकिंग में मैनेजर के लिए निकलती है, तो इस तरीके की वैकेंसी के लिए आप फिर पीजीडीएम ना करके फिर क्या करना चाहिए आपको, एमबीए करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर क्या करना चाहिए, फिर आपको एमबीए करना चाहिए। यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पीजीडीएम कर सकते हैं, वहां पर जो प्रेफरेंस दी जाएगी फिर आपको पीजीडीएम वाले बंदे को दी जाएगी। तो आपको यह चीज क्लियर हो गई होगी कि आपको गवर्नमेंट जॉब में, जैसे मैंने आपको बताया कि एमबीए क्यों वहां पर एमबीए को प्रेफरेंस दी जाती है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है कि कैरियर आफ्टर पीजीडीएम, यानी कि इसको करने के बाद में आपका कैरियर किस तरीके से है। तो साथ ही ये डिपेंड करता है आपका कि आपने किस टाइप के कॉलेज से पीजीडीएम किया है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज से पीजीडीएम किया है, वहाँ की जो आपको कोर्स कंटेंट है किस तरीके से पढ़ाया गया है वहाँ पर, और साथ के साथ वहाँ पर आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं यहाँ पर। तो आपका जो कैरियर है पीजीडीएम के बाद में काफी अच्छा कैरियर है, काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि आज की डेट में यदि हम बात करें तो कैरियर ऑप्शंस पीजीडीएम और एमबीए के लिए जॉब की कमी नहीं है। तो यदि आपने जॉब की कमी तभी नहीं है जब आपने किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से क्या किया है, पीजीडीएम किया है। तो आप समझ गए होंगे पीजीडीएम यदि करें आप तो किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करें, अदरवाइज फिर एमबीए कीजिएगा, फिर पीजीडीएम मत करना। अब इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं भाई आपका इसका कि बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कौन से हैं। तो साथियों इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, इसके मैक्सिमम क्या है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो पीजीडीएम कराती है, मैक्सिमम क्या कराते हैं, कॉलेज ही इसको कराते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भी बहुत सारे इसके कॉलेज हैं पीजीडीएम के लिए, और आपका लगभग ऑल ओवर इंडिया में ही है पीजीडीएम के लिए कॉलेज। तो यदि आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए होगी तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, स्पेशली पीजीडीएम के कॉलेज के लिए ही बनाई हुई है, उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग कि उसमें कौन सा कॉलेज किस रैंक पर रैंक करता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो साथियों आप चीजों को समझ गए होंगे। अब इसके लिए फीस की बात करें कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, तो साथियों जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी के थ्रू होता है, तो इसमें जो फीस होती है वो फीस कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि उसको फीस को कौन डिसाइड करता है, कॉलेज डिसाइड करता है। तो इसमें जो मिनिमम फीस है आपकी, जो यदि हम बिल्कुल बात करें जो आपका थर्ड क्लास का कॉलेज है उसकी भी फीस पीजीडीएम की लगभग 80,000 रुपए से लेकर पर ईयर से, और जो हमारी मैक्सिमम फीस की बात करें तो 3-4 लाख रुपए पर ईयर तक इसकी फीस रहती है। तो यदि आप किसी अच्छे कॉलेज से आप पीजीडीएम करते हैं तो उसकी फीस आप मान के चलिएगा, जो एवरेज फीस है लगभग 2-2.5 लाख रुपए इसकी एवरेज फीस रहती है। अब इसके बाद में बात करें कि यदि आपने पीजीडीएम किसी अच्छे कॉलेज से किया है तो सैलरी पैकेज क्या मिल जाता है। तो साथ ही यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज से पीजीडीएम किया है तो जो आपका सैलरी पैकेज है वो काफी अच्छा रहता है। इसमें सैलरी पैकेज आपको मिनिमम सैलरी पैकेज आपका 12 लाख पर एनम से लेकर और आपका 25 लाख पर एनम तक रहता है, यानी कि काफी अच्छा इसमें सैलरी पैकेज है यदि आप किसी अच्छे कॉलेज से पीजीडीएम करते हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या फिर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।